इतवार को देवी ऑफ मंडी इन हिमाचल प्रदेश हैज सेट एन एग्जांपल फॉर वुमेन बाय अपसाइक्लिंग पॉलिथीन एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स लाइक पाइन ट्री लीव्स टू मेक यूजफुल एंड आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स. आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट शी कुड हैव टेकन अप अ जॉब. इंस्टेड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन वेंचर एंड हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर वुमेन. जो काम हमने सीखा था जैसे कि ये चीड़ की पत्तियों का काम था और दूसरा एक आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान तैयार करना, फिर मैंने इसमें ज्यादा ध्यान दिया, एक महिला मंडल का गठन किया, फिर महिलाओं ने भी इसमें मेरा काफी ज्यादा सहयोग किया है. इसके बाद यह कार्य हमारा बढ़ता गया और हम अब सेल भी करती हैं और अपने मेलों में भी जाती हैं. तवारकू हैज फॉर्मड एन एसोसिएशन ऑफ वुमेन हु आर मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक पॉलिथीन and pine tree leaves to make various useful and aesthetic products. These women are also actively participating in Prime Minister Narendra Modi's cleanliness mission. Today, the products made by these women find prominent places in various exhibitions and fairs. The success story of Tavarku and her women's association has been featured in TV programs and social media. दूरदर्शन केंद्र बीबीसी लंदन द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी जिसके लिए भी हमें पुरस्कृत दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है. और इसके बाद वर्ष 2018 में दोबारा से हमारी एक स्वच्छता पर फिल्म डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जो दूरदर्शन केंद्र मुंबई द्वारा तैयार की गई है, उसमें हमारा साक्षात्कार भी हुआ. इसके लिए मुझे मनोज बाजपेयी जी द्वारा वहाँ पर सम्मानित भी किया गया. These women are converting waste materials into best products. The forest department has also helped them in using waste material from pine trees. The department is also providing them training so that they can chart new path for bettering their life. Master trainers तैयार किए हुए हैं, जो भी महिलाएं इसको सीखना चाहती है उसके द्वारा अपना रोजगार करना चाहती है, क्योंकि हमारे प्रकाश में नॉलेज में ये आया हुआ है कि कुछ महिलाओं ने एक साल के अंदर 50-60 हजार रुपए यही कृषकों की महिलाओं ने कमाया हुआ है. तो दूसरा इसकी मार्केटिंग का है, तो और भी हम इनकी मार्केटिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है. दो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग हर, तवारकू देवी वॉन्ट्स मोर असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. शी वॉन्ट्स द गवर्नमेंट टू हेल्प द वुमेन in marketing their products so that they get more income and be empowered. At present, the women are able to sell their products only in exhibitions and fairs. For this, they have to toil much and incur losses. Hence, they want the government to come to their aid. So, हम उनको मेले में सेल करते हैं, जैसे हमारे लोकल मेले होते हैं या कहीं सारस फेयर होते हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर लगते हैं. इस कारण से हमारी महिलाओं को दूर जाने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके घर के काम भी होते हैं, व्यस्त समय से वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं. यदि सरकार हमें इसके लिए मार्केटिंग की थोड़ा सहायता करे तो हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा कार्य कर सकती हैं. और इसके लिए मैं प्रशासन से गुजारिश भी करना चाहूंगी कि हम सभी महिलाओं के लिए मार्केटिंग का एक अच्छा स्थान उपलब्ध हो जहाँ पर हम अपनी वस्तुएं सेल कर सकें और हमें उससे ज्यादा लाभ. Tavarku Devi is today a source of inspiration to women. She is playing an active role in the cleanliness drive, environment protection and women's empowerment. With help from the government, these women's aspirations can take wings. An ETV Bharat report. To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.